और इसके अंदर लग रहे हैं भाई 22 इंच के अलॉय व्हील है ना भाई, भाई दुनिया ने 18, 18, 16, 17, 20, 20 खूब लगवा लिए, भाई ने सीधा एंड ही कर दिया, 22 है भाई। अगर मैं दिखाऊं इसकी प्रोफाइल तो वो है भाई तुम्हारी 245/35R22। दुकानदार को खुद नहीं पता था कि इसमें 22 आ जाएंगे, भाई ने कहे डालो देखी जाएगी जो हाँ, देखी जाएगी ना भाई, कुछ कटा ना कुछ हुआ, डायरेक्ट फिटमेंट है, डायरेक्ट फिटमेंट है। वेलकम बैक टू माय चैनल, होप करता हूँ सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। तो भाई आज ना आपको ऐसी सेल्टोस दिखाने वाले हैं, मतलब कि मजा आ जाएगा तुम्हें ना देख के। तो आज हमारे साथ है भाई, कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप? बिल्कुल बढ़िया। तो भाई जैसे कि देख रहे हो सामने खड़ी है भाई सेल्टोस, और इसके अंदर लग रहे हैं भाई 22 इंच के अलॉय व्हील है ना भाई, भाई दुनिया ने 18, 18, 16, 17, 20, 20 खूब लगवा लिए, भाई ने सीधा एंड ही कर दिया, 22 है भाई। हां जी भाई, बिल्कुल 22। तो भाई मतलब लगवाने से पहले ये सोची 22 ही लगवाएंगे? हां भाई, मैं लगवाने से पहले 22 ही लिखवाया मैंने जाते ही। अच्छा। भाई 22 इंच का लो लिखवा दो, और कि 22 का ही निकलवाओ। हां 22 का ही निकालो। तो भाई पहले हम बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं गाड़ी की। अगर भाई बात करें इसके ईयर की, कौन से ईयर का मॉडल है भाई? भाई 2022। 2022 वेरिएंट भाई, HTX ऑटो, ऑटोमेटिक रहने वाली है। हां जी भाई। तो भाई ये पेट्रोल है या डीजल? डीजल, डीजल रहने वाले। और बात करते हैं भाई सामने से, आप देख सकते हो भाई सामने से क्या-क्या चेंजेस है, कुछ है या नहीं है भाई? यही ग्रिल वगैरह करवाई मैंने, ये अच्छा, जो भी है ये ग्रिल वगैरह। हाँ, और साथ ही साथ बात करें भाई फैंसी नंबर रहने वाला है 5700। भाई कितने का मिला आपको भाई ये? 25,000 रुपये का। 25,000 रुपये का, तो हाँ, पर्ची 25,000 की कटी हुई है ना? हाँ जी भाई। तो मौके की बात होती है जब सामने वाली पार्टी अट जाए, तो जब थोड़ी ऊपर रेट वेट चले जाते हैं वोली वोली पे, है ना भाई? भाई हमारे यहाँ तो ट्रेंड में सबके पास 5700 ही है मोस्टली, है ना? मोस्टली तो भाई यहाँ पर मोस्टली 5700 ही मिलता है ज़्यादा। अगर बात करते हैं भाई ये इसका सीन बता दो, 22 इंची का मतलब कैसे, कि 20 डलवाने गए थे या 22? भाई मैं तो 22 ही डलवाने गया, तो बोल रहे थे कि 22 इंची सेल्टोस में आएगा ही नहीं। हाँ, दुकान वाले, दुकान वाले बोल रहा था मरनू ये कैलाश कॉलोनी वाला। हाँ, कि 22 आएगा ही नहीं। हाँ, मैंने अलॉय निकाला, मन की ये वाला अलॉय लगा के देखो 22 आएगा, कह रहा नहीं आएगा शर्त लगा लो। हाँ, उसने लगाया, मन की टायर चढ़ा के देखो ये आ गया। हाँ, उसे यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, क्या भाई मेरे पास टायर ही नहीं है, मैंने किसी और के लिए मंगा रखे टायर। मैंने क्या मुझे लूंगा मैं टायर, उसके लिए कितने का? उसने कही 14.5 का, मुझे 15 के मुझे दे दे। अच्छा, कह रहा हूँ ना 2 दिन बाद टायर आएंगे, जब जाके उसने ये अलॉय डाल थे। अच्छा, मतलब कि भाई दुकानदार को खुद नहीं पता था कि इसमें 22 आ जाएंगे, भाई ने कही डालो देखी जाएगी जो। हाँ, देखी जाएगी ना भाई, कुछ कटा ना कुछ हुआ, डायरेक्ट फिटमेंट है, डायरेक्ट फिटमेंट है। तो भाई ये चीज देख लो, मतलब कुछ कटा वटा नहीं है, बस थोड़ा सा जैसे रगड़ वगड़ खाती है वो, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, हल्की फुल्की तो चल जाती है, तो थोड़े बहुत तो टच होते होंगे भाई। हाँ भाई टच होते। तो भाई इस पे ये जो ये कवर है ना फेंडर लाइन वाला, ये वाला पूरा ये इस कवर पे टच होते हैं, और थोड़ा सा मेरे हिसाब से आगे भी टच होते हैं हल्के फुल्के। और कहीं से लिफ्ट वगैरह भी करवाई है गाड़ी? भाई पीछे गुटके लगवाए थे। पीछे गुटके लगवाए हैं, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ भाई, बहुत बंदे सोच रहे होंगे। तो भाई ये देख लो, बहुत छोटा सा ही है ना गुटका, तो हाँ, ज्यादा वैसी ऊंची नहीं है। हाँ, 1 इंच का होगा मेरे हिसाब से। हाँ, गुटका तो छोटा ही, मतलब ज्यादा उठ जाती है ना। पीछे से भी कुछ कटिंग वगैरह हुई है? कुछ भी नहीं हुई, डायरेक्ट डायरेक्ट फिटमेंट, जब आगे से नहीं हुई तो पीछे से ही। हाँ, कहां हुई है ना। हाँ जी भाई। बात करें भाई कितने के लगे अपने भाई? ये 140, 1,40,000 रुपए के। और इससे पहले इसमें कोई अलॉय लगे हुए थे? वो तो कंपनी के थे। कंपनी के थे, वो दे दिए? वो नहीं, वो तो उल्टे लिया, उल्टे लिया है, रीसेल वैल्यू नहीं दे रहा था उसकी, कि कभी कोई जरूरत पड़ जाए तो साथ ही लिया है भाई। हाँ, है ना, कभी बाहर घूमने उमने जाए तो उसे लगा लेंगे, सर रख देंगे। हाँ, क्योंकि भाई ये ज्यादा लॉन्ग ड्राइव के मतलब के है नहीं, क्योंकि भाई से बहुत ओवर साइज। अगर मैं दिखाऊं इसकी प्रोफाइल तो वो है भाई तुम्हारी 245/35R22। 22 इंच के अलॉय व्हील है। तो भाई ने रेट वगैरह सब बता दी। भाई बात करें एवरेज क्या दे रही है भाई? 4-5 की। 4-5? हाँ। और पहले कितनी दे रही थी ऑटोमेटिक? पहले तो भाई 15 की थी इसकी, तो ऑटोमेटिक की तो थी। हाँ, तो हाईवे पे कितने की दे रही है ये? तो हाईवे पे 7-8 7-8 चल रही है, 7-8-10
चलाने चलाने के ऊपर डिपेंड करती है। अब आते हैं पीछे की तरफ, पीछे से एज इट इज ये स्टॉक है। तो भाई बात करें वूफर वगैरह भी रहने वाला है। हाँ भाई, तो भाई अगर डिग्गी खोल के दिखाना चाहूँ तो तुम्हें, तो भाई इसके अंदर लगा हुआ है इन्फिनिटी का वूफर, और पीछे ये इन्फिनिटी के दो ओवल हो गए हैं। और गेटों में क्या भाई? भाई चार मीड है, चार मीड है। कौन सी एपको लाइट कौन सी रहती है? अच्छा एपोक्लिप्स डेबोन्स हो गया, डेबोन्स की वही वाली। आ जाओ अंदर आ जाओ। तो अंदर आते हैं भाई, अंदर से दिखाते हैं गाड़ी में और क्या क्या चीज़ें हुई पड़ी हैं। तो अंदर से ये है भाई कुछ इस तरीके की, देख सकते हो ऑटोमेटिक कार रहने वाली अपनी पूरी। तो आपको सिस्टम वगैरह भी चेक कराते हैं कैसा कुछ है। चार मिनट लगी हुई है इसके अंदर। तो भाई ये कुछ ऐसा कुछ सिस्टम रहने वाला है, बिल्कुल डिसेंट है। और भाई और कुछ भी रहने वाला है गाड़ी के अंदर है? सारा कंप्लीट यही है भाई। गाड़ी नीचे तो वही है, फ्लोरिंग वगैरह करवाई है, सीट कवर वगैरह करवाया है। सैरन वगैरह भी गाड़ी में? नहीं नहीं भाई, और कुछ नहीं है, बस एज इट इज ऐसी है, सिंपल, कोई ज्यादा ओवर नहीं है। बस सिस्टम हो गया थोड़ा बहुत और अपना अलॉय हो गया ना। तो भाई हमने सारी चीज दिखा दी। तो अपना इंस्टाग्राम किस नाम से रहने वाला है भाई? मेरा रीसा बिदूड़ी। तो जाके भाई को फॉलो कर लेना। मतलब कोई अंडरस्कोर भी नहीं है क्या? अंडरस्कोर ही नहीं है, रीसा बिदूड़ी है, बिदूड़ी में डबल आई है। ठीक है, तो भाई जाके भाई को फॉलो कर लेना, स्क्रीन पर आ ही रहा होगा इंस्टाग्राम। तो भाई जिसने वीडियो देख लिया तो भाई लाइक करना, शेयर करना, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।